आप देख रहे हो इस टाइम फिनिश चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। वहीं नीमच के पगला बगीचे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से रहवासी आज भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समस्या के अधूरे समाधान के चलते अब तक स्वयं की भूमि और भूखंडों पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जबकि इन क्षेत्रों में लगभग 150 सालों से यह लोग काबिज है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए गए लंगड़े समाधान और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन नागरिकों को नगरपालिका से मूलभूत सुविधा, बैंक से लोन सहित अन्य तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि नगरपालिका इन क्षेत्रों में निवासरत लोगों से कई वर्षों से मकान टैक्स वसूलती आ रही है। वहीं समय समय पर क्षेत्रवासियों को निर्माण की अनुमति और नवीन खरीदारों के नाम भी नामांतरण में अंकित करती आ रही है। शासन द्वारा स्थापित व्यवस्थापन बोर्ड के जटिल नियमों से लोग बहुत परेशान हैं। वहीं 2017 में लागू इन नियमों से स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ अभिभाषकों की माने तो शासन के चंद लोगों ने नीमच में नहीं भोपाल में बैठकर इस भ्रामक नियम को बनाया है। इस नियम को लागू करने से पहले शहर की जनता व वरिष्ठ अभिभाषकों से चर्चा तक नहीं की गई। यही कारण है कि नियमों की जटिलता को बंगलावासी समझ नहीं पा रहे हैं। नीमच से महावीर सैनी की ये रिपोर्ट। और ये था आप तक अपडेट। लगातार हर जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।